पॉइजनस गैस हाइड्रोजन सल्फाइड से दो लोगों की मौत हो जाती है, जिसके लिए जियोकेमिस्ट प्रोफेसर सासुके आओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, ये जानने के लिए कि ये एक्सीडेंट है या एक मर्डर। दोनों ही क्राइम सीन पे प्रोफेसर को एक लड़की दिखती है, जिसके बाद इस मूवी में एक तीसरा एंगल निकल कर आता है जिसके पीछे एक बड़ी साइंटिफिक मिस्ट्री छुपी है। हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी की स्टोरी बहुत ही अनोखी और अलग तरह की है। काफ़ी लोगों को ये मूवी समझ नहीं आई, काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। लेट्स सी आपको ये मूवी कैसी लगती है। सो मूवी का नाम है लापलेस विच, डायरेक्टर है तकाशी मिके, 2018 में रिलीज्ड, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 5.2। तो दोस्तों कहानी को पूरा एंजॉय कीजिए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। चलिए अब शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक 67 साल के आदमी की मौत से। उसकी डेड बॉडी एक छोटे से टूरिस्ट स्पॉट पे पुलिस को मिलती है। मौत का कारण हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के इंटेक से हुई थी, जो कि एक बेहद ही पॉइजनस गैस है। इस केस की छानबीन करने में पुलिस के साथ साथ जियोकेमिस्ट प्रोफेसर सासुके भी मौजूद रहते हैं। क्राइम सीन का मुआयना करते वक्त कहीं से एक टीनेजर लड़की वहां आकर प्रोफेसर से डेड बॉडी के यहां मिलने की बात पूछती है, लेकिन उसे चले जाने को कहा जाता है। अब यहां प्रोफेसर को ये बात खटकती है कि ये मौत यहां हुई कैसे, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से हाइड्रोजन सल्फाइड के सफोकेशन से किसी की मौत होना पॉसिबल नहीं है, जब तक कि वो इंसान किसी बंद जगह में ना हो। और ऐसी खुले जगह पे इतनी कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में गैस का हवा में रहने के चांसेस बहुत ही कम हैं। यानी ये एक सुसाइड केस बनता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर यूजी नकाओ का प्रोफेसर की बात से एग्री ना करते हुए इसे मर्डर बताता है, क्योंकि मरने वाला एक मशहूर प्रोड्यूसर था जिसकी वाइफ उससे 30 साल छोटी है और दोनों साथ ही उस टूरिस्ट स्पॉट पे घूमने आए थे। उसके हस्बैंड के मरने से उसे इंश्योरेंस का ढेरों पैसा मिलेगा और खून करने के पीछे उसका ये तगड़ा मोटिव हो सकता है। अब प्रोफेसर को अपने होटल के लॉबी में वही लड़की दोबारा दिखी, लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात हुई। जब टेबल पर पड़ा जूस का बॉटल अचानक गिर गया और लड़की ने सिर्फ अपना फ़ोन का एंगल बदला और जूस बिना फ़ोन को टच किए साइड से निकल जाता है, मानो जैसे उसे पहले से अंदाज़ा हो गया था और अगले ही पल वो वहाँ नहीं होती। हर न्यूज़ चैनल में बस यही खबर छाई होती है। मरने वाले की वाइफ मिसेस चिसातो अपना बयान देती है कि जिस वक्त उसके हस्बैंड की मौत हुई वो वापस कार में कैमरा लाने गई हुई थी। यहाँ पुलिस ऑफिसर नकाओका को एक और मर्डर की खबर आती है। प्रोफेसर सासुके और ऑफिसर दोनों क्राइम सीन पहुँचते हैं, जहाँ 39 साल के युवक की मौत का कारण भी हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। पुलिस ऑफिसर नकाओका शॉक्ड होता है कि एक ही महीने में एक ही तरीके से दो दो मौतें। पर इंटरेस्टिंग बात ये पता चलती है कि मरने वाला भी फिल्म इंडस्ट्री से था। आसपास के लोगों से जानकारी मिलती है कि वो वहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ कार में एक औरत को भी देखा गया जिसने बड़ा सा हैट और काला चश्मा पहना हुआ था। पुलिस के मुताबिक यह एक लव ट्रायंगल का सीन है। पहले तो मिसेस चिसातो ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर अपने हस्बैंड को मारा और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को भी रास्ते से साफ कर दिया। रात में प्रोफेसर होटल के कमरे में अकेला होता है और वो लड़की वहाँ भी पहुँच जाती है। वो प्रोफेसर से उसे क्राइम सीन ले जाने को कहती है। उस लड़की का नाम ओहारा माधो का होता है, जो अपने एक फ्रेंड को ढूंढ रही होती है। इधर पुलिस ऑफिसर डुअल मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करते हुए पाता है दूसरा मरने वाला आदमी एक बी ग्रेड एक्टर था और दोनों मरने वाले ने कभी किसी फिल्म में साथ में काम नहीं किया। यानी पुलिस ने जो अनुमान लगाया था वो गलत निकला, लेकिन दोनों को एक कड़ी जरूर जोड़ती है, वो है डायरेक्टर साइसई अमाकासु। क्राइम सीन में माधो का बड़ी गहराई से एक एक कर घटनाओं के कड़ियों को एनालाइज करती है, जिसे देख प्रोफेसर बड़ी हैरानी से पूछता है, ये सब तुम कैसे कर पा रही हो, आखिर कौन हो तुम? मैं एक लापलेस विच हूँ, बस इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सुबह सुबह पुलिस ऑफिसर प्रोफेसर के कॉलेज उसी नई कड़ी डायरेक्टर अमाकासु साइसई के बारे में बताने आता है। अमाकासु बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं, कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। वो अपना ब्लॉग लिखता था और उसी पुराने ब्लॉग से और भी ताजुब करने वाली बात पता चली है कि डायरेक्टर अमाकासु की फैमिली में उसकी बीवी और बेटी की मौत 8 साल पहले बंद कमरे में हाइड्रोजन सल्फाइड के सफोकेशन से हुई थी, जिसमें बस उसका बेटा ही सर्वाइव कर पाया, लेकिन उसका बेटा कोमा में चला जाता है। पर उसकी फैमिली के मौत में अमाकासु पे कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उस दिन वो उसी बी ग्रेड एक्टर के साथ बाहर शूटिंग में था।
यहाँ काफ़ी लंबा समय उसके बेटे को कोमा में हो जाता है। तब डॉक्टर एक ऑपरेशन का सजेस्ट करते हैं, पर इसमें जान जाने का खतरा होता है। ऑपरेशन की सक्सेस पॉसिबिलिटी ना के बराबर होने के बावजूद उसका बेटा बच जाता है। धीरे धीरे उसके हालत में सुधार आने लगता है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो बैठता है और डायरेक्टर अमाकासु को ये ब्लॉग बंद किए एक साल जैसा हो चुका है। बड़ा डायरेक्टर होते हुए भी अमाकासु के आखिरी की मूवीज बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप होने लगी, सब तरह से क्रिटिसिज्म होने लगे, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर मिज़ुकी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। शायद इसी बात का बदला लेने के लिए उसने अमाकासु के फैमिली को मरवाया। और इतने साल बाद जब अमाकासु को पता चला होगा कि दोनों मिले हुए थे, तो उसने भी उसी तरह बदला लिया। पुलिस ऑफिसर ये सब बात कहकर वहाँ से चला जाता है। अब प्रोफेसर उस ब्लॉग को देख रहा होता है और उसे अमाकासु के यंगर टाइम की फ़ोटो दिखती है, जो उसे कहीं देखा देखा हुआ सा लगा। और तब उसे याद आता है कि माधुका जिसे ढूंढ रही है, उसकी शक्ल अमाकासु से मिलती जुलती है। इसके बाद वो माधुका को तुरंत फ़ोन लगाता है और कहता है, तुम्हारा दोस्त और कोई नहीं डायरेक्टर अमाकासु का बेटा केंटो ही है। वो उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जिससे वो इस गुत्थी को सुलझा सके। प्रोफेसर मिलने वाली जगह पे पहुंचता है। वो एक जगह पे खड़ा होता है और उससे कुछ ही दूर ब्रिज पर माधुका खड़ी दिखती है। वो प्रोफेसर को दो कदम बाई की तरफ आने को कहती है। उसके बाद ऐसा कुछ होता है जो प्रोफेसर को हैरान करके रख देता है। माधुका ऊपर से एक केमिकल गैस हवा में छोड़ती है, जो सीधा प्रोफेसर तक ही आती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। इतनी दूरी से वो हवा कैसे प्रोफेसर तक ही आकर रुक गई? तभी कुछ लोग दोनों को किडनैप कर कमाई यूनिवर्सिटी मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में ले आते हैं। हकपकाया हुआ प्रोफेसर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर प्रोफेसर से मिलता है और उसे एक वीडियो दिखाई जाती है। वीडियो में एक लड़का डाइस फेंकता हुआ नजर आता है, जिसमें कुछ भी खास प्रोफेसर को नहीं लगा। लेकिन ध्यान से देखने पे पता चलता है कि डाइस के रुकने से कुछ सेकंड्स पहले ही वो लड़का वो नंबर बता दे रहा है जो डाइस पे आने वाला है, और वो भी एकदम सटीक। प्रोफेसर ये सब देख चौंक जाता है। डायरेक्टर बताते हैं, कुछ भी इत्तेफाक नहीं होती। अगर सारे नेचुरल फोर्सेस को सही तरीके से गौर किया जाए तो डाइस के छूटने से पहले ही रिजल्ट फिक्स होते हैं, जिसे हम जान सकते हैं। दोस्तों, वो लड़का और कोई नहीं अमाकासु केंटो होता है। दोस्तों, 17वीं शताब्दी के मशहूर मैथमेटिशियन पेरी साइमन लाप्लेस ने एक थ्योरी में एक ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखी थी, जिसके मुताबिक नेचर में मौजूद जो भी फोर्सेस हैं, जैसे ग्रेविटी, हवा, फ्रिक्शन को अगर एनालाइज किया जाए तो कोई भी घटना, वो चाहे बड़ी हो या छोटी, उसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जो भी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकेगा, उसके लिए आगे क्या होने वाला है ये बता पाना मुश्किल नहीं। इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माधुका के फादर मिस्टर ओहारा ही होते हैं। माधुका के फादर ने मैथमेटिशियन लाप्लेस के थ्योरी पे बेस्ड ही इस रिसर्च को किया, लेकिन इस रिसर्च ऑपरेशन के सक्सेस रेट को टेस्ट करने के लिए उन्हें किसी इंसान की ज़रूरत थी, और तब लंबे अरसे से कोमा में पड़ा केंटो को चुना गया। इस ऑपरेशन ने बहुत ही चमत्कारी तरीके से केंटो पे काम किया। वो ठीक होने लगा और उसके साथ ही उसकी बढ़ती मेंटल एबिलिटी ने रिसर्चर्स को हैरानी में डाल दिया। इसी इंस्टीट्यूट में माधुका केंटो से मिलती है और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। जब माधुका को केंटो की साइक्लोन जैसी नेचुरल डिजास्टर का भी पता लगाने की एबिलिटी का मालूम हुआ, तब बचपन में अपनी माँ को खोने का दर्द उसे दोबारा होने लगा। दोस्तों, बचपन में माधुका की माँ एक भयानक साइक्लोन में मारी जाती है, और तब से माधुका को यही अफसोस रह गया था कि वो उसे बचा नहीं पाई, और इसी वजह से वो भी इस ऑपरेशन में वॉलेंट्री शामिल होती है, उसके पिता के मना करने के बावजूद। प्रोफेसर को किडनैप कर यहाँ यही बताने के लिए लाया जाता है कि वो इन सब केसेस से दूर रहे, उसकी बेटी और केंटो से दूर रहे, क्योंकि ये ऑपरेशन एक नेशनल सीक्रेट है। यहाँ पुलिस डायरेक्टर अमाकासु के पास इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो किसी हॉस्पिटल में कई सालों से व्हीलचेयर पे है और उसकी मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। अब पुलिस का शक अमाकासु से हटकर सीधा उसके बेटे केंटो पे जाता है, जो कई टाइम से लापता है। माधुका अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर इंस्टीट्यूट से एक बार फिर भाग निकलती है और प्रोफेसर से मिलती है। उसे बताती है कि केंटो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन पिछले 8 सालों से वो जिस बदले की आग में जल रहा है, वो उसे उस आग से बचाना चाहती है। फिर प्रोफेसर कहता है, अगर वो बदला लेना चाहता था
तो उसे यह ज़रूर पता होगा कि उसकी माँ और बहन का खूनी कौन है, तो फिर उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया। तब उनके दिमाग में ये बात आती है कि अगर कातिल वही उसके आसपास मौजूद हो तो, और जो उसके आसपास हर वक्त रहता है वो और कोई नहीं उसका ही बाप है। उसी के डर से वो कुछ बोल नहीं पाया और इसीलिए उसने अपनी याददाश्त के खो जाने का नाटक भी किया। फौरन पुलिस ऑफिसर को फ़ोन कर सारी बातें बताई जाती है और वहाँ से भी ये इन्फो मिलती है कि डायरेक्टर आमाकासो की अपनी फैमिली से प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब सच्चाई का पता दोनों को चल चुका है, तभी उन्हें प्रोड्यूसर की वाइफ मिसेस चिसातो दिखती है, जिसे भी एक प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा है। दोनों उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं। चिसातो सीधा वहां जाती है जहां आमाकासो को रखा गया है और दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि आमाकासो खुद के पैरों पर खड़ा होकर कार में बैठ रहा है, जबकि वो तो कई सालों से व्हीलचेयर पे है। चिसातो उसे उसी के लास्ट फिल्म के सेट पे ले जाती है जो पूरी तरह से खंडहर बन चुका है और कहती है, तुम्हारा बेटा अंदर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। पर वो धोखे से चिसातो पे हमला कर उसे भी अपने साथ अंदर ले जाता है। साथ साथ प्रोफेसर और माधोका भी पहुंचते हैं और माधोका उस जगह को देखते ही समझ जाती है कि केंटो यही है। वहाँ के मौसम और आसपास हो रही नेचुरल फिनोमिनन को प्रेडिक्ट कर लेती है कि यहाँ क्या होने वाला है। दोस्तों, पिछले सीन में माधोका का खुद को लापलेस फिश बोलने के पीछे यही वजह थी। केंटो की तरह वो भी नेचर को प्रेडिक्ट कर सकती है और प्रोडक्शन के हिसाब से आज एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो इस घाटी से होकर गुजरेगा और इस खंडहर को बर्बाद कर देगा। केंटो ने इस भयानक तूफान के साथ अपने पिता और अपनी भी मौत तय कर चुका है। फाइनली अब वो घड़ी आ जाती है जहां बाप और बेटा आमने सामने खड़े होते हैं। आमाकासो केंटो से सच्चाई के बारे में पूछता है। केंटो कहता है, जब मैं कोमा में था तब उसकी और प्रोड्यूसर मिजुकी की बात सुनी थी कि वो दोनों एक रियल स्टोरी पे मूवी बनाना चाहते हैं, इसीलिए आमाकासो ने अपना फैमिली ब्लॉग खोला ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके, और जब वो लोग उसकी फैमिली की मौत की खबर सुनेंगे जो उसकी रियल लाइफ स्टोरी है तो लोगों को उससे हमदर्दी होगी और वो लोग उसकी मूवी देखने ज़रूर जाएंगे। यही उसका संकी प्लान था, और अगर केंटो ने मुंह खोला तो वो भी मारा जाएगा। अपने पिता की सच्चाई जानने के बाद केंटो ने मिसेस चिसातो के साथ मिलकर प्रोड्यूसर मिजुकी और बी ग्रेड एक्टर का खून किया। इधर माधोका फिर से उस मोड़ पर आ गई थी जब उसने माँ को खोया था, पर अब केंटो को नहीं खो सकती। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया खेल जाता है, अगर वो उस खंडहर वाले घर में एक बड़ा सा सुराग कर दे तो जो प्रेशर वहाँ तैयार होने वाला है वो नहीं बन सकेगा, जिससे तबाही कम होगी। फिर माधोका एक अनुमान लगाकर गाड़ी को ऐसे पोजीशन में रखती है कि जब तूफान आता है गाड़ी किसी खिलौने की तरह हवा में कई मीटर ऊपर उठकर सीधा उस खंडहर पर जा गिरता है, जिससे सिर्फ एक हिस्सा ही तबाह होता है। इस बड़े हादसे में आमाकासो और केंटो दोनों बच जाते हैं, लेकिन आमाकासो बाद में सुसाइड कर लेता है। नेशनल सीक्रेट की प्राइवेसी को बचाए रखने के लिए इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया जाता है और दोनों प्रोड्यूसर और एक्टर की मौत को एक्सीडेंट करार दे देते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद केंटो कभी किसी को नहीं दिखा, जैसे वो कभी था ही नहीं। आखिरी सीन में डायरेक्टर मिस्टर ओहारा पुलिस ऑफिसर को बताता है कि अब केंटो तक पहुंच पाना नामुमकिन है। उसकी क्षमताएं असीम हैं जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, और वो शायद ये भी जान गया है कि आज की मॉडर्न सोसाइटी किस तरफ जा रही है और इस ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या है। और ये दुख की बात है कि इतनी महान खोज को मान लेने के लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट डाउन, साथ ही लाइक एंड शेयर भी करें। नए एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।